हेलो दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारे पास आया है लावा A1 मोबाइल और दोस्तों ये पूरी तरीके से शॉर्ट है, तो आज के इस वीडियो में हम इसी को रिपेयर करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं लावा A1 मोबाइल है और दोस्तों इसको हम मल्टीमीटर से आपको चेक करके दिखाएंगे कि हमारा मोबाइल जो है पूरी तरीके से शॉर्ट है। तो मल्टीमीटर को हमने बजर मोड पे रख दिया दोस्तों, उसके बाद में हम चेक करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा ये फुल्ली शॉर्ट बता रहा है, ये देख सकते हैं दोस्तों, मैं एक बार और चेक करके दिखा दूं, ये आप देख सकते हैं फुल शॉर्ट बता रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा जुगाड़ बताएंगे कि वो जुगाड़ आप अप्लाई करके किसी भी फोन का शॉर्टिंग निकाल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इसके चार्जिंग सेक्शन को चेक करेंगे, क्योंकि अधिकतर जो शॉर्टिंग का प्रॉब्लम आता है वो चार्जिंग सेक्शन से आता है। तो हम यहाँ पे जितने कैपेसिटर और कॉइल जितने लगे हैं हर एक को चेक कर लेंगे मल्टीमीटर से। तो आपको कुछ इस तरीके से चेक करना है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो शॉर्टिंग का प्रॉब्लम वो चार्जिंग आईसी से नहीं है, वहाँ पे हमारा कोई शॉर्टिंग नहीं है। और इधर हमने जो हमारा बटन पे पत्ता लगता है उसको भी हमने निकाल दिया है। और निकालने के बाद में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ हमें लग रहा है कि कुछ यहाँ पे पानी जाने के कारण से कुछ डक्स जो है जमा हुआ है, तो इसको हम क्लीन कर लेंगे दोस्तों। कुछ इस तरीके से आपको भी क्लीन कर लेना है। और क्लीन करने के बाद में दोस्तों मैं एक बार और दोबारा इसको चेक करूंगा कि हमारा शॉर्टिंग हटा या नहीं हटा। तो मल्टीमीटर को वही बजर मोड पे हम दोबारा चेक करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं अभी भी हमारा शॉर्टिंग जो है हटा नहीं है, शॉर्टिंग हमारा बता रहा है। और दोस्तों ये सेट कहीं रिपेयर होने के लिए गया था तो रिपेयर हो नहीं पाया था। तो दोस्तों आप यहाँ पे कुछ देख सकते हैं, जो हमारा बटन वाला रहता है यहाँ पे प्लस की लाइन रहती है, यहाँ पे लगता है सोल्ड किया गया है दोस्तों। सोल्ड करने की वजह से हमारा जो ग्राउंड और प्लस की लाइन आपस में अटैच हो गई है, तो यहाँ से भी शॉर्टिंग हो सकता है दोस्तों। तो इसको हम सोल्डिंग आयरन की मदद से थोड़ा साफ करेंगे, उसके बाद में हम चेक करेंगे दोस्तों। तो इसको हमने साफ कर दिया है, उसके बाद में दोस्तों हम इसको दोबारा फिर चेक करेंगे। तो ये दोस्तों देख सकते हैं आप कि हमारा जो है शॉर्टिंग हट चुका है, रीडिंग दिखाने लगा है। उसके बाद में दोस्तों हम बटन का पत्ता वापस चिपका के वापस लगा के दोस्तों हम बैटरी लगा के इसको चेक करेंगे। तो दोस्तों आपको अगर ऐसा कंडीशन में आपके पास कोई मोबाइल आए तो पहले तो आप उसको क्लीन कर लें, क्लीन करने के बाद ही चेक करें। तो दोस्तों बैटरी को हमने इन कर दिया है, उसके बाद में ऑन करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये सेट हमारा जो है ऑन हो चुका है, तो इसका मतलब दोस्तों हमारा शॉर्टिंग जो है हट चुका है। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।